सो व्हाट्स अप पीपल्स, दिस इज स्पाइडी। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतनी जबरदस्त ट्रिक, लेकर आया हूँ ना आपके लिए, आप खुद भी बोलोगे यार क्या, मतलब क्या ही बता दिया यार। दोस्तों सबसे पहले जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो हमारी काम कर रही है। आपको जो नोवो और मिलिट्री बेस वाला जो ब्रिज होता है, उसके आगे जाके आपको एक वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, सॉरी वॉच टावर। हाँ तो दोस्तों वॉच टावर में आपको चढ़ना कैसे है, चलिए मैं आपको सबसे पहले वॉच टावर दिखा भी देता हूँ वो कौन सा वॉच टावर है। तो दोस्तों वो वॉच टावर है ये, ठीक है। अब बहुत से महाशय भी बोलेंगे कि यार ये ट्रिक तो हमें पता है, आइस बॉक्स से, उसके हेल्प से हम ऊपर चढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई, आइस बॉक्स वाला जब तक इवेंट रहेगा तब तक तो आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन जब ये इवेंट चला जाएगा फिर थोड़ी ना आप इसके ऊपर चढ़ पाओगे। तो दोस्तों वही ट्रिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इस ट्रिक को मैं भी काफ़ी बार इस्तेमाल करता हूँ और आप भी करिएगा, और कमेंट में मेरे को बताना कि ये आपको ट्रिक कैसे लगी। दोस्तों इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक तगड़ा माइंडसेट चाहिए। आप सबसे पहले अपनी बगी को ना कम से कम थोड़ी 80 to 90, अगर मैं कहूँ तो 90 पर आर किलोमीटर की स्पीड पे आप भगा के ले आना, और जैसे मैं स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करना। आपको यहाँ से आना है और यहाँ से अपनी बगी को यहाँ से उछालना है और यहाँ से एग्जिट का बटन दबा देना है। बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि आप कैसे इसके ऊपर आ चुके हो, वो भी बिना किसी आइस बॉक्स से। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने से पहले ना ज़रा ध्यान से अपनी हेल्थ वेल्थ पूरी फुल करके रखना, क्योंकि इस ट्रिक को करने के बाद जैसे आपने देखा कि अब मेरी हेल्थ कितनी सी हो गई है। तो दोस्तों इस ट्रिक को करने के बाद आप कुछ ऐसे ही मेरी तरह अंदर बिल्कुल इससे अंदर घुस पाओगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर लास्ट जोन यहीं पर बनता है तो ही आप इस ट्रिक को इस्तेमाल करना, वरना आप इस वॉच टावर के अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों अब हमारी दूसरी ट्रिक जो काम कर रही है वो है जॉर्जो सिटी में। दोस्तों आपको ये जो ऊपर वाला आपने जो कभी अभी कंटेनर देखा, मैं आपको बताऊंगा आपको इसके ऊपर कैसे जाना है। तो दोस्तों इसके नीचे आकर ना, जिस पोजीशन में मैं यहाँ पे आइस बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, आपको भी कुछ ऐसे ही आइस बॉक्स नीचे से क्रिएट करना है। तो दोस्तों अब जैसे मैं आइस बॉक्स देखी, अब आइस बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, और ये जो आपको इसकी लेज़र ग्रीन कलर की दिख रही है, मैं कैसे अपनी बॉडी के अंदर अंदर धीरे धीरे ले रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही लेना है। और लेने के बाद ना आपको एक मतलब कि फटाफट से अपना जो कैमरा एंगल है वो इस तरह घुमा देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लेना कि मैंने इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को करने के बाद ना बॉट फायर करके भी आप बहुत ही आसानी से अपने एनिमीज को मार सकते हो। लेकिन दोस्तों इस ट्रिक का डिसएडवांटेज सिर्फ एक ही है कि जब तक आप अंदर हो तब आप बाहर के एनिमीज को नहीं मार सकते। सिर्फ अगर आपको मारना हो तो आपको थोड़ी सी गन बाहर लेनी है और अपने एनिमीज को उड़ा देना। दोस्तों तीसरी ट्रिक हमारी काम कर रही है जॉर्जो सिटी के पीछे वाले जो आपको ये ऐसा एक जो आपको हाउस मिल जाता है यहाँ पर। तो दोस्तों इसके ऊपर आपको कैसे चढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यहाँ से चढ़ने की आप वैसे ट्राई करना हो तो कर लेना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पे आइस बॉक्स क्रिएट करना है, और आइस बॉक्स क्रिएट करने के बाद जब आइस बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, तो क्रिएट होने के बाद आपको इस वे में आपको यहाँ पे अपने लेजग्रा फीचर का यूज़ करना है। तो दोस्तों वैसे तो ये करना तो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, बहुत ही कठिन है, वैसे अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। अब दोस्तों दूसरे वे में बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आइस बॉक्स क्रिएट कर लेना है और इसके ऊपर सिंपली चढ़ जाना है। दोस्तों इसके ऊपर चढ़ने के बाद ना, अब इस वे में आपको एक बार फिर से आपको इस तरीके से अपना आइस बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। तो दोस्तों क्रिएट करने के बाद आप यहाँ से सीधा यहाँ से बहुत ही आराम से छलांग लगा सकते हो। दोस्तों इस ट्रिक की मदद से यार मुझे खुद भी बताने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। दोस्तों अब ये जो ट्रिक है ना, ट्रिक नंबर 4, मैं क्या ही कहूँ यार, सभी ट्रिक का बाप है। आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाईरिच मिल जाएगा आपको लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में। आपको ये जो ऊपर एक बहुत ही बड़ा एक टावर दिख रहा है, मैं बताऊँगा आपको इसके ऊपर कैसे चढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी बगी जो है ना, इसको 100 किलोमीटर पर आवर पर भगानी है। और दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट बटन दबा के और झटके से राइट बटन को दबा के आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो। देखिए जैसे मैंने पहली बार किया और मैं नाकाम हुआ, अब दूसरी बार मैंने जैसे ही ट्राई किया, अब दोस्तों देखिए मैं कितनी आसानी से इसके ऊपर चढ़ पा रहा हूँ। और चढ़ने के बाद अब आप ज़रा देखते रहिए कि मैं यहाँ पर पहुँचने के बाद अब मैं कितना, मेरे को अच्छा यहाँ पर हाई रिच एडवांटेज मिलता है। दोस्तों जब आपको यहाँ पर खड़े होना हो, तो आपको जिस पोजिशन में खड़ा होना हो, ठीक है,
उसकी उसी के अपोजिट अपनी बग्गी को लगा दीजिए। अब जब मैं एग्जिट का बटन दबाऊंगा तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे सीधा कूद जाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मुझे यहाँ पे कितना अच्छा हाई रीच एडवांटेज मिल रहा है। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लग रही है, और ऐसे ही ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अब ट्रिक नंबर 5 जो है वो यहीं पे जॉर्जो सिटी में काम कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी कंटेनर के अंदर बड़े ही आराम से जा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक फायर व्हील क्रिएट करके और उसके सबसे पहले आगे जाके वो जैसे ही आपको पुश करेगी तो आप इसके अंदर आ जाओगे। तो दोस्तों इस ट्रिक के बाद ना आपको एनिमी में क्या कहूँ, बिल्कुल स्पॉट तो आपको कर ही नहीं पाएगा। और आपके लिए भी एक एडवांटेज है कि आपका जो एनिमी ना वो बाहर जितने मर्जी आपके आसपास घूमें लेकिन आप उसको नॉक नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस ट्रिक का मैं बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए तो ये ट्रिक बहुत ही इफेक्टिव है जो रैंक पुश करते हैं। अब देखिए जैसे एक एनिमी आया, मैंने इसको कितना ज़्यादा हाई डैमेज दिया, लेकिन इतने भी डैमेज देने के बाद भी ये एनिमी जो है ये नॉकआउट नहीं हुआ। तो दोस्तों इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करना। दोस्तों अब जो ट्रिक नंबर 5 है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे इसके, ये जो आपने अभी भी देखा ये पेट्रोल पंप के साथ वाला जो एक शेड है, इसके ऊपर आपको कैसे चढ़ना है। दोस्तों इस ट्रिक को स्टेप बाय स्टेप समझते रहना। आपको सबसे पहले एक आइस बॉल यहाँ पे क्रिएट करनी है। यहाँ पर क्रिएट करने के बाद आपको इसके ऊपर एक और आइस बॉल क्रिएट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और आइस बॉक्स क्रिएट करने के बाद आप जब इसके बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो बड़े ही आराम से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और दोस्तों कमेंट में बताना कि आपको कौन सा वाला इस वीडियो का जो पार्ट है, जो ट्रिक है, आपको कौन सी वाली ट्रिक अच्छी लगी। और दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ट्रिक कैसी लग रही है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को करता हूँ बंद, मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।